हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज वर्कशीट टॉपिक वाटर ट्रांसपोर्ट। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक वाटर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन बिलो। उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर खाली स्थान भरिए। फर्स्ट करते हैं, डैश इज द प्रेजेंट नेम ऑफ मेसोपोटामिया, तो यहाँ इराक लिखेंगे। सेकंड, डैश वर द फर्स्ट टू यूज मास्ट ऑन द शिप, नाव में पाल का इस्तेमाल सबसे पहले डैश ने किया था, तो यहाँ लिखेंगे मेसोपोटामियंस। थर्ड, अरब मर्चेंट्स केम इन केरला इन इंडिया बाय शिप कॉल्ड डैश, केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी डैश नामक जहाज से भारत आए थे, तो यहाँ लिखेंगे ढाओ। फोर्थ, डैश वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बिल्ड अ शिपयार्ड, डैश में पहला स्थायी जहाज का कारखाना बनाया गया था, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रिटिश। ब्रिटिश वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बिल्ड अ शिपयार्ड। फिफ्थ, द शेप ऑफ अ सबमरीन इज लाइक अ डैश, पनडुब्बी एक बड़े डैश के आकार की होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैप्सूल। क्वेश्चन टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, व्हाट इज टैंकर, टैंकर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे, टैंकर्स आर शिप्स दैट सप्लाई ऑयल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बच्चों, यहाँ पर मैं टैंकर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, दैट वन टैंकर कैन कैरी 1 crore barrel ऑफ ऑयल एट अ टाइम एंड द साइज ऑफ अ टैंकर कैन बी एज लार्ज एज अ 15 tennis court। एक टैंकर एक बार में 1 crore barrel तेल ले जा सकता है और इसका आकार एक टेनिस के मैदान से भी बड़ा होता है। चलिए सेकंड करते हैं, व्हाई इज स्टील यूज्ड इंस्टेड ऑफ आयरन इन मेकिंग शिप, जहाज बनाने में लोहे के स्थान पर स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे, स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग शिप्स बिकॉज इट डज नॉट रस्ट। स्टील का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री, विच कंट्री मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सबमरीन, किस देश ने दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी बनाई थी, तो इसका आंसर लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सबमरीन। फोर्थ करते हैं, व्हाई आर सबमरीन यूज्ड, पनडुब्बियों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे, सबमरीन्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द शिप्स ऑफ एनिमीज इन सीज, सबमरीन का उपयोग समुद्र में दुश्मनों के जहाज को नष्ट करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ करते हैं, व्हाई इज मास्ट यूज्ड ऑन अ शिप, नाव पर पाल क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे, मास्ट हेल्प्स अ बोट मूव फॉरवर्ड यूजिंग द प्रेशर ऑफ द विंड, क्योंकि पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री, मैच द फॉलोइंग्स, मिलान कीजिए। फर्स्ट यूज ऑफ मास्ट इन द बोट, नाव के पाल का सबसे पहले उपयोग, तो इसका मिलान करेंगे, इसे मैच करेंगे इजिप्शियंस से। सेकंड, नीडल इंस्टॉल्ड इन फ्रंट ऑफ द वारशिप्स, युद्धपोत में आगे लगी नोक, तो इसका मैच करेंगे ई रैम से। थर्ड, शिप ऑफ अरब मर्चेंट्स दैट केम इन इंडिया, तो इसका मैच करेंगे ए ढाओ से। फोर्थ, शिप Which is operated underwater, पानी की गहराई में गोता लगाकर चलने वाला जहाज, तो इसका मैच करेंगे सी सबमरीन से। फिफ्थ, स्टील फैन यूज्ड
इंस्टेड ऑफ ओर्स, जहाज को चलाने वाले चप्पू की जगह स्टील का पंखा। तो इसका मैच करेंगे डी, प्रोपेलर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर, नेम द शिप दैट कोलाइडेड विद अ लार्ज आइसबर्ग एंड सैंक इन द सी ऑन इट्स वेरी फर्स्ट वॉयज। उस विशाल जहाज का नाम बताइए जो अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया था। तो यहाँ हम लिखेंगे टाइटैनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल सर्वाइवल गाइड विदाउट टेक्नोलॉजी, जीवन कौशल तकनीक के बिना जीवन। क्वेश्चन वन, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड राइट हाउ वाज देयर लाइफ बिफोर दे हैड मोबाइल फोन। अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि मोबाइल के आने से पहले जीवन कैसा था। तो बच्चों, इसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड राइट द आंसर। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, दे टोल्ड दैट देयर लाइफ वॉज टेंशन फ्री बट नॉट एज ईजी एज इट इज नाउ, एज दे कैन टॉक टू एनी वन वेयर एवर वैन एवर दे वॉन्ट, बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर। चलिए क्वेश्चन टू करते हैं। वॉच द गिवन वीडियो केयरफुली एंड राइट हाउ कैन वी रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। दी गई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर बताइए कि हम अपने जीवन में तकनीक पर निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी बाय डूइंग दीज थिंग्स। वी शुड स्पेंड लेस टाइम ऑन मोबाइल फोन कंप्यूटर एंड अदर गैजेट्स। इंस्टेड वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी शुड गो आउटसाइड टू प्ले एंड टू डू आउटडोर एक्टिविटीज, दस वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेस्टिवल्स त्योहार, क्वेश्चन वन, वॉच द गिवन वीडियो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दी गई वीडियो को देखकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन डैश एवरी ईयर। भारत में बाल दिवस डैश को मनाया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 14th November। सेकेंड, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। दिवाली डैश का त्यौहार है। तो यहाँ हम लिखेंगे लाइट। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। क्वेश्चन टू, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली। आप दिवाली कैसे मनाते हैं। तो बच्चों, यू विल राइट दिस आंसर योर ऑन दैट हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, prior to Diwali we do cleaning and dusting of our house. On the day of Diwali we wear new clothes and worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi. We distribute gifts and sweets among friends and relatives. Children burns the firecrackers, though it is not good to burn crackers as they cause pollution. Chaliye next question karte hain. क्वेश्चन थ्री, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ दिवाली। तो बच्चों, यहाँ पर आप दिवाली का चित्र बनाकर रंग भरेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने दिवाली के चित्र लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ योर वर्कशीट, आपकी वर्कशीट के अंत में, कोरोना अवेयरनेस कैंपेन, कोरोना जागरूकता अभियान, टू अवॉइड कोरोना,
कोरोना से बचाव के लिए फर्स्ट ऑलवेज वियर अ फेस मास्क, हमेशा फेस मास्क पहने। सेकंड कीप वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली विद सोप एंड वाटर, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। थर्ड अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।